नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 21 नवंबर 2021, और यहां पे 22 नवंबर 2021 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर को दोस्तों ध्यान में रखते हुए शुरू करूंगा। सबसे पहला स्टॉक जो है आपके लिए, उसका नाम है CET का। लेकिन लेवल बताने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें, जहाँ पर लाइव मार्केट में आपको लाइव कॉल्स, स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, एक्यूरेट रेट खबरें आपको मिलती रहती है। तो देखिए, ये CET का डेली के टाइम फ्रेम पे आप ये चार्ट देख पा रहे हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया कि इसने एक बॉक्स बना रखा है, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर रेंज में ट्रेड करता है, फिर वो नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है। इस बार ये फाइनली बहुत ही बियरिश कैंडल बनाते हुए नीचे इंड को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउन साइड में अगर देखें, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो काफ़ी तेज़ गिरावट बनेगा, और अगर यहाँ से बाउंस करता है जैसे पिछले बार ऊपर की साइड में भागा तो ऊपर की साइड में भी जा सकता है। तो CET को खरीदेंगे जब ऊपर 1225 को ब्रेक करेगा तब, बाय अबव 1225। पहला टारगेट 1232 1232 रुपये का, दूसरा टारगेट 1239 1239 रुपये का, और तीसरा टारगेट 1246 1246 का रहेगा। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1218 रुपये 1218 का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1215 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1215। पहला टारगेट 1208 रुपये का 1208, दूसरा टारगेट 1201 1201 रुपये का, और तीसरा टारगेट 1194 रुपये 1194 का रहेगा। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1222 यानी 1222 रुपये का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा दूसरा और सेकेंड स्टॉक जो है वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट ने अनसर्टेन मूवमेंट, बहुत ही तेज मूवमेंट दिया, जैसा कि आपने लास्ट वीकेंड थर्सडे को देखा, और उसके बाद एक वॉल्यूम आप नीचे में देखिए क्या ज़बरदस्त इसने डेवलप किया, और सारे कैंडल को ब्रेक करते हुए ऐतिहासिक हाई, जिसको कहते हैं ना ऐतिहासिक उच्च स्तर को। कर लिया 1800 के आसपास, क्योंकि बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, चांसेस बन सकते हैं। अगर ये 1825 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाय कर लेंगे, बाय अबव 1825। पहला टारगेट 1835 1835 रुपए का, दूसरा टारगेट 1845 1845 का रहेगा, और तीसरा टारगेट 1855 1855 रुपए का। स्टॉप लॉस 1815 का लगाएंगे यानी कि 1815 का। इनकेस अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है 1810 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1810। पहला टारगेट 1800 रुपए का 1800 का, दूसरा टारगेट 1790 1790 रुपए का, और तीसरा टारगेट 1780 1780 रुपए का रहेगा। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1820 रुपए 1820 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे तो ज़रूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा आप तीसरा और अंतिम स्टॉक जिसका नाम है अरविंदो फार्मा। देखिए लास्ट फ्राइडे थर्सडे को भी मैंने ये स्टॉक दिया था और इसने नीचे के लगभग सारे टारगेट डन कर दिए थे अरविंदो फार्मा, और ये पिछले 1.5 साल के अपने लोएस्ट लेवल पर, पिछले 1.5 साल के लोएस्ट लेवल पर अरविंदो फार्मा आया हुआ है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये पिछला 1.5 मई 2020 में ये लो प्राइस था, अब जाके ये फिर से उस लो प्राइस को टच कर रहा है, तो एक काफ़ी पुराना लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है अरविंदो फार्मा। तो खरीदेंगे 645 रुपये के ऊपर, बाय अबव 645। पहला टारगेट 650 650 रुपये का, दूसरा टारगेट 655 655 रुपये का होगा, और तीसरा टारगेट 660 660 का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 640 640 रुपये का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 633 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 633। पहला टारगेट 628 यानी 628 रुपए का, दूसरा टारगेट 623 623 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 618 यानी कि 618 रुपए का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 638 638 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी ना करें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ जरूर करें। साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। 3 स्टॉक अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।